और दूसरा कहता है कि विष्णु वैश्यवानरम साक्षी ब्राह्मण ज्ञाति बंधवा पंचम ध्रुव लोकम तम तम साक्षी मम गतः। कहते हैं आज हमारे विवाह मंडप में पांच लोग साक्षी माने जाते हैं और उन्हें मैं साक्षी मान करके आज तुम्हें पत्नी के रूप में स्वीकार कर रहा हूँ। पहला कहता है कि विष्णु वैश्यवानर मैं स्वयं भगवान विष्णु के अवतार में आज वर के स्वरूप में बैठा हूँ। विष्णु वैश्यवान रहा। दूसरे अग्निदेव जिनकी मैंने परिक्रमा करके तुम्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया। और तीसरे जो है हमारे सजातीय और जो है बारातीय ब्राह्मण हैं। और चौथे जो हैं हमारे भाई और बंधु हैं। और पांचवे ध्रुव तारा। ये दूसरा वाक्य कहता है। और तीसरा कहता है कि मंत्रोष्ठे कर्तव्यानाम भक्ति बंधूनाम आधारयत् ममज्ञं परिपाले से पत्रता परायणी। और कहता है तीसरा वाक्य हे प्रिय पत्नी मंत्रोष्ठे कर्तव्यानाम तुम इस प्रकार के कर्तव्य करना कार्यों को करना जिससे मुझे संतोष को प्राप्त मुझे सुख मिले। मंत्रोष्ठे कर्तव्यानाम भक्ति बंधूनाम आधारयत् हमारे भाई बंधुओं के प्रति आदर का भाव रखना प्रेम का भाव रखना सद्भाव का प्रेम भाव रखना पतिव्रता परायणी। यदि तुम इन सब बातों को करती हो तो तुम एक सुखी और अच्छी पत्नी के रूप में तुम्हें मैं स्वीकार करता हूँ। ये तीसरा वाक्य। और चौथा कहता है कि बिना पत्नी कथम धर्म आसमाणाम प्रवर्तते तस्मात् भव विश्वता भववा मांगली। बिना पत्नी के कोई धर्म नहीं। यदि तुम इन सभी कार्यों को करती हो तो मेरी विश्वास पात्र व मांगिनी कहलाओ विश्वाचरणी कहलाओ। और अगला कहता है आप सुनो कि तुम्हें